हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली विजी टिप्स। दोस्तों मैं हूं ज्योति और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बॉयज के बाल झड़ने का मेन रीजन। जी हां दोस्तों, दरअसल आपने देखा होगा जिस तरीके से लड़कियों के बाल झड़ते हैं ठीक उसी तरीके से पुरुषों यानी कि बॉयज के बाल भी काफी मात्रा में झड़ते हैं। तो हर किसी का अलग अलग रीजन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषों के बाल झड़ने का कारण और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे इलाज, कुछ खान पान का इस्तेमाल करके आप अपने बालों के झड़ने की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों लड़की हो या लड़का, दोनों में बालों के झड़ने का सबसे बड़ा मेन रीजन होता है पोषक तत्वों की कमी। तो दोस्तों अगर आपका आहार, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है और आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो ये भी एक बहुत ही बड़ा मेन रीजन होता है जिसकी वजह से आपके बाल अचानक से झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखिए। अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में ऐसे फल का, ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए जिनमें भरपूर मात्रा में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हो। तो इसके दोस्तों पालक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पालक में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा गाजर में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये भी आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और आपकी त्वचा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करता है। इसके अलावा जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए और जितने फल हैं, फ्रूट्स हैं उन सबका इस्तेमाल कीजिए। फलों का जूस पीजिए तो आपको इनसे सारे पोषक तत्व मिलने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं अगला सबसे बड़ा और मेन रीजन है धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन। अगर आप बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहे हो, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन कर रहे हो या शराब, अल्कोहल इस तरह की चीजों का सेवन कर रहे हो तो यह आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी कर देता है जिसकी वजह से आपके बाल और भी ज्यादा झड़ने लगते हैं। तो अगर आप अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपनी पूरी बॉडी को हेल्थी रखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले धूम्रपान करना, अल्कोहल, शराब, तंबाकू इन सब का सेवन करना बंद करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला रीजन है बहुत ज्यादा शैम्पू या बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपके बालों से आपके बालों की जो नमी है उसको सोख लेता है और पोषण को भी कम कर देता है जिसकी वजह से बालों की जड़ कमजोर होने लगती है और वो झड़ने लगते हैं। तो आप दोस्तों से वीक में 3 बार ही अपने बालों को वॉश कीजिए। ज्यादा बालों को वॉश करने से बालों का मॉइस्चर खत्म होने लगता है जिसकी वजह से बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं। इसके अलावा अगला रीजन है बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन में रहना। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव टेंशन में रहते हो तो ये भी आपके बालों पर बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं और टूटने लगते हैं। तो जितना हो सके आप खुश रहिए और तनाव टेंशन से दूर रहिए। इसके अलावा दोस्तों पानी, अगर आप बहुत कम पानी पीते हो तो इसकी वजह से भी आपके बाल का मॉइस्चर खोने लगता है, बाल पतले होकर ड्राई होकर झड़ने लगते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो आप दिन में लगभग 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीजिए। और कभी कभी दोस्तों आप जब बालों को धोते हो तो कभी कभी पानी की खराबी होने की वजह से भी बाल झड़ना एक बहुत ही बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हो तो दवाइयों का भी ज्यादा इस्तेमाल करने से भी इसका बालों के झड़ने, बालों पर बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी अक्सर हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों थायराइड भी मेन रीजन होता है बालों के झड़ने का। तो शरीर को थायराइड द्वारा उत्पन्न हार्मोन की जरूरी एक निश्चित मात्रा में होती है और यदि यही मात्रा अगर आपकी बैलेंस जो है बिगड़ जाए तो पूरे शरीर पर किसी न किसी रूप में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है और इसका असर आपके बालों पर भी पड़ता है। और इसके अलावा अगला मेन रीजन है वजन। अगर आप अपना वजन अचानक से घटा लेते हो तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में पोषक तत्व की कमी होने लगती है और आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों ये दो कुछ ऐसे रीजन जिन्हें आप सुनकर आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, यानी कि अगर आपकी बॉडी में पोषक तत्व की कमी है तो आप अपनी डाइट पर ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये दो मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और मेरे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसे एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।